अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लीडर ट्रेनिंग के बारे में साथ भाई से कुछ चीज़ें पूछेंगे कि हमसे लोग कॉमनली पूछते हैं कि लीडर ट्रेनिंग कैसे करते हैं, उसके कुछ इश्यूज़ वगैरह वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि लीडर ट्रेनिंग करते कैसे हैं और उसके जो इशूज़ आते हैं कि लीडर ट्रेन करना क्या जो लीडर यूज़ करना छोड़ देती है या इस तरह के मसले होते हैं तो उनको किस तरह से ओवरकम करते हैं। तो साथ भाई सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि लीडर ट्रेनिंग जो है वो कैट्स की करते किस तरह से हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़, अगर आपने लीडर ट्रेनिंग करवानी है, अगर हम किटन से स्टार्ट करें तो किटन या कैट्स नेचुरली तौर पे लीडर ट्रेन होती है, सिर्फ आप लोगों ने उनको रास्ता दिखाना होता है, वो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं जिसके थ्रू वो लीडर कर सकें। क्योंकि इंडोर कैट्स रखी होती हैं हमने घर में, कोई मिट्टी वगैरह इधर उधर नहीं रखी होती जहाँ पर जाकर वो कर सके, आउटडोर कैट्स तो कर लेती हैं। अगर हम स्टार्ट करें किटन से तो आप लोगों ने पहले वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है जिसमें उसने लीडर करना है, जिसमें आपके पास आया है लीडर बॉक्स आया है, लीडर ट्रे कह लें जिसे आप, उसके अलावा आपके पास आए थे लीटर आया था मिट्टी वगैरह जिसे आप कह सकते हैं। उसके अलावा आपने देखना है कि जो आप लीटर यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का है। कोशिश करें कि आप कोई क्लंपिंग लीटर यूज़ करें और नॉन सेंटेड यूज़ करें, क्योंकि किटन्स जो होते हैं वो ख़ास तौर पर मुंह के अंदर डालते हैं लीटर को, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी ये चीज़ कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है इसके अंदर, लीटर ट्रेनिंग के अंदर, कि आपने लीटर को कहाँ पर रखना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किटन अपने रूम में रखा और लीटर जो है वो दूसरे रूम में रखा और तब तक जो है वो किटन बर्दाश्त ना करे, कहीं पे वॉशरूम वगैरह कर दे। तो जहाँ पे किटन है वहीं पे आप लोगों ने उसको जो लीटर ट्रे है वो भी वहीं पे रखना है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई ज़मीन पे कोई कपड़ा नहीं फेंकना या कोई ऐसी सॉफ्ट जगह नहीं फेंकनी कि जहाँ पे किटन वॉशरूम कर सके, उसे ऐसा फील हो कि मैं यहाँ पे वॉशरूम, ये वॉशरूम के लिए जगह है। हाँ, अगर किटन कहीं पे भी वॉशरूम कर देता है, स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है, स्टूल को आप उठा के उसी लीटर के अंदर वापस डालें और उसके हाथ जो हैं वो आप रब करवाएँ लीटर के साथ, और वैसे भी आप दिन में 5 से 6 दफ़ा किटन को उसके अंदर डाल सकते हैं लीटर के अंदर, ताकि वो सीखे कि ये मिट्टी है, मैंने यहीं पर वॉशरूम करना है। अगर आप यही चीज़ें कुछ लेके चलेंगे तो तकरीबन 2 से 3 दिन में मैक्सिमम किटन लीटर ट्रेन हो जाएगा, सिर्फ आपने उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। दूसरा ये साथ भाई सवाल है आपसे कि जो बिल्लियाँ लीटर यूज़ करना छोड़ देती हैं, फॉर एग्जांपल ये सवाल आता है कॉमनली कि बिल्ली ने पहले लीटर ट्रेन थी, अब उसने लीटर यूज़ करना जो है छोड़ दिया, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं और उसको किस तरह से आउटकम करते हैं? इसमें ज़्यादातर कैट्स जो जब हीट पे आती हैं, जैसे लाइक मेल अडल्ट होता है या फीमेल जो है वो हीट पे आती है, उस साइकिल के अंदर या उससे पहले या उसके बाद में कुछ ऐसा अरसा होता है जिसके अंदर कैट जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, या किसी भी वजह से अगर कैट स्ट्रेस के अंदर है तब भी वो लीटर यूज़ करना छोड़ देती है, हीट के अंदर है तब भी वो लीटर यूज़ करना छोड़ देती है। मेल कैट ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इस मामले के अंदर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर मेल कैट आपका स्प्रेइंग कर रहा है जगह जगह पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीटर ट्रेन नहीं है, वो उसने करना ही करना है। उसके अलावा अगर आपने इसको ओवरकम करना है तो आप देखेंगे उसका हीट का जो इश्यू है उसको मेटिंग करवाएं, उसको स्प्रे करवाएं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा साथ भाई आपसे ये है कि लीडर ट्रेनिंग की बेस्ट एज क्या होती है, किस एज पे लीडर ट्रेनिंग जो है वो कैट की स्टार्ट कर देनी चाहिए, कौन सी ऐसी एज है जहाँ पर आके लीडर ट्रेनिंग नहीं पॉसिबल ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी ज़रा क्लियर कर दें। अगर बात करें कि किटन को लीटर ट्रेनिंग कब स्टार्ट करवानी चाहिए, तकरीबन 3 से 4 वीक का जब होता है तब उसको आप कोशिश करें कि स्टार्ट करवा दें। किस तरह से स्टार्ट करवा सकते हैं, थोड़ी सी मिट्टी ले लें आप, शू बॉक्स जो होता है उसके अंदर बेशक उसको वो छोटा होता है, उसके अंदर बेशक उसको ट्रेन करें थोड़ा सा, उसका हाथ वहाँ पर मारें ताकि उससे थोड़ा सा सीखना है। इस तरह से आप उसको छोटी एज से स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी एज की बात करें कि आपकी लाइक कुछ लोग होते हैं कि वो बाहर से कैट लेके आते हैं, 2-3 दिन रखते हैं वो, और वो लीटर ट्रेन नहीं होती के मुताबिक, वो ज़्यादातर असर ये भी होता है कि जगह चेंज हो जाती है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है और कैट जो है वो वॉशरूम नहीं कर रही होती लीटर के अंदर। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे उसके साथ भी वो भी लीटर ट्रेन हो जाएगी, वही उसका सारा प्रोसीजर है कि आपने उसको लीटर, ख़ास तौर पर ये भी लोग गलती करते हैं कि लोगों ने 4-4 बिल्लियाँ रखी होती हैं लेकिन लीटर बॉक्स एक रखा होता है। 4 बिल्लियों के लिए कम अज़ कम 2 लीटर बॉक्स होने चाहिए बड़े। उसके अलावा जो मैंने बताया पहले प्लेसमेंट का बताया, प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपका लीटर साफ़ होना चाहिए। तो अगर आप ट्राई करते रहेंगे अपनी कैट को, जैसे उसका वॉशरूम उठा के फेंक दिया, वो जब चीज़ें देखेगी तो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो कंफर्म दोबारा से लीटर ट्रेन हो जाएगी, क्योंकि उसकी नेचर के अंदर है। ये ऐसा नहीं है कि आपने उसको कोई नई चीज़ सिखानी। चलिए, ये तो हमारे कॉमन क्वेश्चन थे, तो हमने साथ भाई से जो है डिस्कस किए हैं, उनका शुक्रिया कि वो हमारे, उन्होंने टाइम ले, वो बेसिकली सर्जरी के लिए हमारे पास आए थे, हमने सर्जरी करके उनको हमने इस काम के लिए बिठा लिया क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन था। अगर आपका फिर भी हमसे कोई क्वेश्चन मिस हुआ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हम इंस्टाग्राम में इनबॉक्स करें, हम आपके क्वेश्चन को एज सुन एज पॉसिबल आंसर करने की कोशिश करेंगे।